चश्मा था ये। आत्मरक्षार्थ एसएचओ ने पलट फायर किया जो इसके पांव के नीचे की तरफ गोली लगी है। नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूँ राजद आसमान से एक बड़ी खबर। राइफल छीन कर लुटेरे ने कॉन्स्टेबल पर फायर किया, भागने का प्रयास कर रहे बदमाश को एसएचओ ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी। ज्वेलर्स से 2 करोड़ की लूट के आरोपी ने कॉन्स्टेबल की राइफल छीनकर उसी पर फायर कर दिया, जिसके बाद वह भागने का प्रयास करने लगा। एसएचओ ने बदमाश को काबू करने के लिए उसके पैर में गोली मार दी। कॉन्स्टेबल और बदमाश दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम आरोपी को लेकर मौका मुआयना करने जा रही थी। मामला राजसमंद के काकरोली का है। राजसमंद एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि 23 अगस्त को काकरोली क्षेत्र में भगवान दास मार्केट के सामने रूपम गोल्ड ज्वेलर्स से 4 बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर 3 किलो सोना और 18 लाख कैश की लूट की थी। इनमें से एक आरोपी कृतिक कुमार उर्फ किट 20 वर्षीय पुत्र कन्हैया लाल पासवान को राजसमंद पुलिस ने पटना की एसटीएफ व वैशाली जिले की स्पेशल टीम की मदद से विदुपुर में दबिश देकर पकड़ा था। कृतिक को ही पुलिस टीम मंगलवार सुबह मौका मुआयना कराने के लिए लाई थी। राजसमंद एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि कृतिक कुमार ने वारदात के दौरान ज्वेलर्स की दुकान में डीवीआर उठा ली थी। फरार होने के दौरान उसने डीवीआर को तोड़कर विनोद जंगल में फेंक दिया था। मंगलवार सुबह काकरोली पुलिस थाना इंचार्ज डीपी दाधीच टीम के साथ आरोपी को मौका तस्दीक करवाने कुवारिया थाना इलाके के बिनोल गांव के जंगल के पास लेकर आए थे। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि मंगलवार सुबह 9:45 पर काकरोली पुलिस कार्तिक कुमार को लेकर ज्वेलर शॉप में लूटे डीवीआर का मौका तस्दीक के लिए बिनोल गांव के जंगल में 100 मीटर अंदर की तरफ लेकर गई। आरोपी ने वहां सोच जाने का बहाना किया। कॉन्स्टेबल विक्रम उसे कुछ दूर लेकर गए। कॉन्स्टेबल कुछ कदम ही दूर पर रुक गया। इस दौरान कार्तिक ने कॉन्स्टेबल से राइफल छीन ली और उसे धक्का मारकर गिरा दिया। बदमाश ने विक्रम पर फायर किया। विक्रम बाल बाल बच गया। गिरने से उसे हल्की चोट आई है। काकरोली एसएचओ डीपी दाधीच ने कार्तिक कुमार पर पिस्टल पर से फायर किया। गोली कार्तिक की एडी के पास लगी, इसके बाद उसे दबोच लिया गया। बदमाश के पैर में टांके लगाए। वहीं लूट से पहले 10 दिन किए किराए के कमरे में रहे थे बदमाश। वारदात के बाद भाग गए थे बिहार। व्यापारियों ने निकाली थी राजसमंद में रैली। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना अमित लक्की धवन जल्द मिलता हूँ एक और बड़ी खबर के साथ।